चुनावी हार जीत की समीक्षा जरूरी होती है, मगर राजनीतिक दलों को आगे की तैयारियों का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है। यूपी में नगर निकाय चुनाव के बाद सपा बसपा कांग्रेस जहां अपनी अपनी तरह से हार के कारण तलाश रही हैं, और दूसरी ओर हालिया चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा विजय के नए लक्ष्य के साथ मैदान में कूद पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के अंतिम लाइन तक के आम कार्यकर्ता सब अपनी अपनी तरह से 2024 के चुनावी मोर्चे पर डट गए हैं। भाजपा आलाकमान का सबसे ज्यादा फोकस 80 लोकसभा सीटें रखने वाले उत्तर प्रदेश पर है, इसलिए पीएम मोदी सहित पार्टी के टॉप नेता सबसे बड़ी आबादी वाले यूपी में अब लगातार दौरे करते नजर आएंगे। भाजपा ने दिल्ली फतेह के लक्ष्य के साथ राष्ट्रव्यापी चुनावी मुहिम की शुरुआत आज 16 मई से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से कर दी। 16 से 18 मई के बीच राज्य स्तर पर कार्यकारिणी की मीटिंग में भाजपाई रणनीतिकार जुटे नजर आएंगे। इसके बाद 19 से 21 मई के बीच जिला कार्य समिति और 22 से 23 मई को मंडल स्तर पर बैठकें करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 20 से 30 जून तक पूरे देश में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई है, जिसके जरिए भाजपाई टीमें मतदाता परिवारों के सीधे संपर्क में आएंगी। इतना ही नहीं, पार्टी हाईकमान ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में 250 विशिष्ट परिवारों से सीधे संवाद स्थापित करने का अलग से बृहद कार्यक्रम भी लॉन्च कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य उसी दिन में 1,00,000 परिवारों से संपर्क स्थापित करने का है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की जमीनी तैयारियां दूसरे दलों के लिए सबक हो सकती हैं। हर क्षेत्र में प्रमुख परिवारों से भगवा ब्रिगेड का सीधा संवाद कायम करने के अलावा पार्टी जल्द ही सभी लोकसभा क्षेत्रों में व्यापारी और बुद्धिजीवी सम्मेलन के साथ विकास तीर्थ कार्यक्रम भी शुरू करने वाली है। चुनावी होमवर्क को धार देने और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता 51 स्थानों पर जनसभाएं भी करने वाले हैं। अभियान से पहले 29 मई को पूरे देश में पार्टी प्रचार की विशेष रणनीति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां सामने रखी जाएंगी। 30 और 31 मई को अलग अलग राज्यों में पार्टी लीडरशिप बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा करेंगे। 30 और 31 मई को अलग अलग राज्यों में पार्टी की लीडरशिप का बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा कार्यक्रम है। अलग अलग कार्यक्रम में राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बात विशेष तौर पर यूपी की करते हैं, जहां से दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का पहला रास्ता निकलता है। भाजपा यूपी विजय के मायने बखूबी समझती है, इसलिए पहला फोकस सबसे बड़ी आबादी वाले इसी राज्य पर रखा जा रहा है। अगस्त से प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी शीर्ष भाजपा नेता यूपी को मथने के काम में जुट जाएंगे। पीएम मोदी अगस्त से यूपी विजिट शुरू करने वाले हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी यूपी और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए पहुंचने वाले हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह यूपी में सांगठनिक कार्यक्रमों को लगातार धार देते दिखाई देंगे। यहां बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल का कार्यकाल इसी 30 मई को पूरा हो रहा है। इस अहम मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी में विपक्षी दलों के कब्जे वाले लोकसभा क्षेत्रों में नड्डा और शाह के विशेष तौर पर कार्यक्रम होने वाले हैं। साथ ही संगठन से जुड़े अभियानों के अलावा दलित पिछड़ों के बीच पकड़ और मजबूत बनाने के लिए दमदार प्रचार व इलेक्शन मैनेजमेंट का विशेष रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। सत्तारूढ़ भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही ऐसी व्यापक तैयारियां उन विपक्षी दलों की नींद उड़ा सकती है, जिनके यहां जमीनी स्तर पर अभी ऐसी तैयारियों के बारे में युद्ध स्तर पर जुटना तो दूर बल्कि अभी तक सोचा भी नहीं गया है। सत्तारूढ़ भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही ऐसी व्यापक तैयारियां उन विपक्षी दलों की नींद उड़ा सकती हैं, जिनके यहां जमीनी स्तर पर अभी ऐसे प्रयास करना तो दूर बल्कि ऐसी रणनीति बनाने के बारे में शायद सोचा भी नहीं गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।